أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله النبي الامين

पिछले दर्स में बात चल रही थी मेहमान और मेज़बान के हकूक़ के सिलसिले में नवाजी मेहमान नवाजी की अहमियत इस्लाम में क्या है उसकी अहमियत के सिलसिले में चंद अहम बातें पिछले दर्स में मैंने आपके सामने रखी थी तो आज का जो हमारा अहम मौजू हैं मेहमान नवाजी और अम्बिया आलम मेहमान नवाजी मेहमान की इज्ज़त तकरीम और खातिर तोज़ु एक माशरती हक है बुनियादी हक़ है मकारिम अखलाक में इसको शुमार किया गया है और एक बंदे मोमिन के ईमान की तकमील का जो एक अहम हिस्सा है इसीलिए हज़रती अंबिया आसलम ने अल्लाह रब्बुल अबालमीन के बताए हुए असूलों पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और अपने अतबा को अपने पैरोकारों को जो है उस पर काफ़ी ज़ोर दिया उभारा ताकीदी हुक्म दिया तो उन्हीं बेहतरीन चीज़ों में से जो एक मेहमान नवाजी हैं अम्बिया कराम में अबुलम्बिया खलीलुल्ल इब्राहीम अलहतम का जिक्र अल्लाह ताली ने क़ुरान मजीद में कई मकाम पर किया सुर दारियात में उनके मेहमान नवाजी का जिक्र अल्लाह ने किया सूर्हुत में भी उसका जिक्र आया है सुर दारियात में अल्लाह ने कहा अल्ला के हदीस हदीफ़ी इब्राहीमीन

तो इब्राहीम मेहमान की खातिर इज्जत इज़्ज़्ज़्ज़्त तकरीम और मेज़बानी का बड़ा लिहाज रखा करते थे उसी की तरह अल्लाह ताला ने यहाँ इशारा किया कहा कि आपको जो है इब्राहीम के मुआज़ मेहमान की ख़बर नहीं पहुँची सवाली अंदाज़ में जब वो उनके पास आए तो सलाम किया इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया और कहा यह तो अजनबी लोग मालूम होते हैं फिर चुपचाप जल्दी जल्दी अपने घर वालों के पास गए और एक भुना हुआ फरबा बछड़ा लेकर जो है लाकर पेश किया उनके पास रखा खरीब किया और कहा कि आप खाते क्यों नहीं फिर दिल ही दिल में जो है उनसे खौफ ज़दा हुए जो फरिश्तों ने नहीं खाया उसको हाथ नहीं लगाया तो थोड़ा खौफ ज़दा हो गए कि अजीब लोग मालूम होते हैं मेहमान जब आते हैं और उन जिनसे होती हैं वो खाते हैं इसको छूते हैं ख़रीब होते हैं लेकिन फ़रिश्तों ने उसको हाथ तक नहीं लगाया खरीब भी नहीं हुए तो खौफ ज़दा हुए दिल में तो फरिश्तों ने कहा कि आप डरने की ज़रूरत नहीं आप खौफ ना कीजिए और उन्होंने इसको अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम को एक इल्म वाले लड़के की बशारत दी तो इस वाक़े में अल्लाह इब्राहिम सलाम ने जो मेहमान नवाजी की थी उन इंसानों की जो फ़रिश्ते हकीकत में फ़रिश्ते थे इंसानी शक्ल में आए थे अल्लाह की तरफ से जो अज़ाब कौमल पर आने वाला था उस सिलसिले में लोग आए थे तो बहर हाल मुफसरीन ने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्होंने जो है इतना मेहमान नवाजी के सिलसिले में इसको अहमियत दी और उस पर अमल किया बाद रवायतों में ये भी नकल किया गया है कि इब्राहीम रोज़ाना किसी न किसी मेहमान की तलाश में रहते थे खाते वक्त किसी न किसी शख्स को तलाश करते थे इस तरह अल्ला वाले गुजरे हैं और अरबों की जो है सखावत अरबों की मेहमान नवाजी दीगर अम्बियाई की तरफ मैंने इशारा किया कि अम्बियाई कराम में बहुत सारे अम्बियाई कराम बल्कि तमाम अल्लाह के नेक बंदे थे अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे जिन्होंने अल्लाह के हर हुक्म पर जो है अमल किया और अरबों के बारे में मैंने कह, कह रहा था कि सखावत मशहूर हैं हाथिम तई की सखावत मशहूर हैं अब्दुल्ला बिन जुदान मक्के में वो शख्स जो बड़ी बड़ी देगें जो हैं वो पका कर मक्के वालों को खिलाया करता था जिसमें उसके मेहमान भी होते थे बरहाल अल्लाह के नबी सल्ला नबी बनाने से पहले नबी बनाए जाने से पहले रसूल बनाए जाने से पहले प्यारे नबी सल्लासम के अंदर ये बेहतरीन जो अवसाफ थे उनमें से एक वस मेहमान नवाजी थी कि जब पहली वही नाजिल हुई अल्लाह के नबी सासम हिर में थे वापस आए काँप रहे थे ज़मिलूनी ज़मिलूनी कहा और खतीजा रौतील् तौनमिन ने आप पर चादर उड़ाई और आपको तसली दी जब आपने कहा लखत ख़ी तो नसी कि मुझे अपने आप का डर है मुझे अपने आप पर डर है कि मैं हलाक हो जाऊंगा, जान का ख़तरा है तो खतीजा उम्रमिन रदील तैन ने तसली देते हुए जो अल्फाज कहे थे कल्लाखदी कल्ला अब इन्ना कल्ला तसलरह और बहुत सारे अवसाफ़ बताए वहीं पर कहा व तख्रदाइफ जो महल शाहिद हैं बहुत सारे अवाफ़ का जिक्र किया कहा हरगिज़ ने अल्लाह तलाक नहीं करेगा अल्लाह ताली आपको रसुवा नहीं करेगा ज़ाय नहीं करेगा क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं आप फलाँ करते हैं ये अवसाफ़ आखिर में कहा आप मेहमान नवाज़ हैं आप जो है मेहमान की इज़्ज़त करते हैं तक्रीम करते हैं अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा अल्लाह अकबर तो ये अवसाफ़ है खिदमत खल़ और अल्लाह ताला को बेहतरीन जो अवसाफ़ पसंद हैं बंदों के ये बेहतरीन व़फ़ है मेहमान नवाज़ी ये खैर व बरकत का ज़रिया है जिसको आज हमें से बाज लें या अक्सर कह लें इसको जो है हमने इसकी अहमियत को नहीं समझा है ये खैर बरकत का ज़रिया हैं, माल व दौलत में जो है बरकत का ज़रिया है घरों में बरकतों के नज़ूल का ज़रिया हैं ईमान की तकमील का की अहम नशानी अलामत है और मकारी में अखलाक में शामिल हैं आज हमारे अखलाक जो है कमज़ोर हो गए हम, हम दावा करते हैं मनहज की हम दावा करते हैं फ़लाँ फ़लह हैं लेकिन अखलाक हमारे हमारी ज़बान खुलती हैं किसी की गीबत किसी की चिलखोरी में और किसी के जो है बुरे उसाफ किसी के अयूब बयान करने के सिलसिले में और ग़लत गलत चीज़ें जो हैं हमारे अंदर आ गए ये अयूब हैं तो वहीं पर जो हैं मेहमान की मेहमान नवाजी में हम आज पीछे नज़र आते हैं तो ज़रूरत इस बात की है इस अहमियत को हम समझें और ये खैर व बरकत का जो है ज़रिया है अम्बिया कराम की अज़ीम सुन्नत हैं इसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है और ईमान में इजाफ़े की और पुख्तगी की ज़रूरत है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तो फ़िका फ़रमाएँ अल्ला जो भी हमारे अंदर नक्स है आय हैं गफल सुस्ती काहली और शरीय की जो मुखालफतें जिसको हम सुनत समझ कर भी नज़रानंदाज़ कर रहे हैं कौलन आमलन अल्लाह ताली इस इस इन इस काहली से और इस सुस्ती से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए आमीन सुमी और मालीना इलामबी अलकम वरहि वबरक